Hi viewers, Assalamu Alaikum, I am Chandrasbhi and you are watching my YouTube channel Understanding English with Chandrasbhi. First of all, I want to remind you that if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it, share it, like it, so that the freshest and uh, latest lectures will be notified to you. Dear students, today we are going to start our lesson number 4, Thank you ma'am, ma'am इज़ अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ़ मैडम असल लफ्स है मैडम उसको मुख्तर करके हमने बना दिया मैम थैंक यू मैम का मतलब मोहतरमा शुक्रिया कहानी लिखी है लैंगस्टन ह्यूज़ ने जो अमेरिका का एक बहुत मशहूर एफ्रीकन अमेरिकन यानी कि ब्लैक अमेरिकन शायर और मुसनफ़ है ये कहानी बहुत मशहूर है क्योंकि इस कहानी में Uh, किरदार साजी के बारे में मुसनफ़ ने बात की है मुसन्फ़ ने इस अहम मौजू पर कलम उठाया है कि हमें अगर किसी इंसान का किरदार अच्छा बनाना है अगर हमने उसकी तरबियत करनी है तो हमें किन खतूत पर चलना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अपना लेसन थैंक यू मैम शी वॉज़ अ लार्ज वुमन लार्ज मोटी जसीम वो एक जसीम औरत थी विद अ लार्ज पर्स जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था दैट हैड एवरी थिंग इन इट जिसके अंदर हर चीज़ थी बट हैमर एंड नेल्स हथौड़े और कीलों के अलावा तो ये असल में एक मुहावरा है एवरी थिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स का मतलब ये है कि पर्स में दुनिया की हर चीज़ थी बस हथौड़े और कीलों की कमी थी वो एक जसीम औरत थी जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था जिसमें दुनिया का हर काठ कबाड़ मौजूद था इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप इस पर्स की एक लंबी सी तनी थी एंड शी कैरीड इट स्लंग लटकाना हंग और उसने इसे लटका रखा था अक्रॉस हर शोल्डर अपने कंधे पर इस पर्स की एक लंबी सी तनी थी और उसने इसे अपने कंधे पर लटका रखा था इट वॉज़ अबाउट अलेवन ओ क्लाक एट नाइट तकरीबन रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था डार्क अंधेरा था एंड शी वज़ वॉकिंग अलोन और वो अकेली जा रही थी अकेली चल रही थी अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर कि एक लड़का उसके पीछे से भागता हुआ आया एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की तो स्नेच का मतलब छीनना जिसको हम ग्रैब कह सकते हैं स्टील कह सकते हैं या पिंच भी कह सकते हैं तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था अंधेरा था और वो अकेली पैदल चल रही थी कि एक लड़का उसके पीछे से भागता हुआ आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश की द स्ट्रैप ब्रोक पर्स की तनी टूट गई विद आ सडन सिंगल टग सडन अचानक सिंगल एक ही टग झटका द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड जो लड़के ने इसे पीछे से दिया लड़के के पीछे से अचानक दिए जाने वाले एक ही झटके से तनी टूट गई बट द बॉयज़ वेट लेकिन लड़के के वजन एंड द वेट ऑफ़ द पर्स और पर्स के वज़न ने कम्बाइंड मिल कर कॉज्ड हिम टू लूज़ बिगाड़ दिया हिज़ बैलेंस लेकिन लड़के के वज़न और पर्स के वज़न ने मिलकर लड़के का तोजुन ख़राब कर दिया लड़के का तोज़ुन बिगाड़ दिया इन स्टेड ऑफ़ बजाए टेकिंग ऑफ़ टेक ऑफ भागना फुल ब्लास्ट फुल ब्लास्ट का मतलब पूरी ताकत से पूरी रफ्तार से पूरी रफ्तार से भागने की बजाय एज ही हैड होप्ड जैसा कि उसे उम्मीद थी द बॉय फेल ऑन हिज़ बैक ऑन हिज बैक पुश्त के बल लड़का पुश्त के बल गिर गया दाइड वॉक सड़क के साथ जो चलने की जगह बनी हुई होती है सड़क की पटरी, सड़क की पटरी पर गिर गया एंड हिज़ लेग्स फ्लू अप और उसकी टांगें ऊपर को उठ गईं अपनी उम्मीद के मुताबिक पूरी रफ्तार से भागने के बजाय लड़का पुश्त के बल सड़क की पटड़ी पर गिर गया लड़का फुटपाथ पर गिर गया और उसकी दोनों टांगें ऊपर को उठ गईं द लार्ज वुमन जसीम औरत सिंपली बस टर्न अराउंड मुड़ी एंड किक हिम और उसने उसे लात जमा दी राइट स्क्वर एन इन हिज ब्लू जींड सिटर लड़के ने चूंकि जीन्स पहनी हुई थी इसलिए जींड कहा गया है जसीम औरत बस मुड़ी और उसने लड़के की नीली जीन्स वाली तशरीफ़ पर लात जमा दी शी रीच्ड डाउन फिर वो नीचे झुकी पिक्ड द बॉय अप लड़के को पकड़कर उठाया बाय हिज शर्ट फ्रंट शर्ट फ्रंट हम आसानी से कह सकते हैं गिरेबान गिरेबान से पकड़ कर उठाया एंड शुक हिम और उसे इतना झंझोड़ा अनटिल हिज टीथ रैटल्ड के लड़के के दांत कटकटाने लगे लड़के के दांत बजने लगे फिर वो नीचे झुकी उसने लड़के का गिरेबान पकड़कर उसे उठाया और उसे इतने झटके दिए उसे इतना झंझोड़ा के लड़के के दांत बजने लगे आफ्टर दैट उसके बाद द वुमन सेड खातून ने कहा पिकअप माई पाकिट बुक बॉय पाकिट बुक का मतलब पर्स बटवा एंड गिव इट हीयर लड़के मेरा पर्स उठाओ और मुझे पकड़ाओ शी स्टिल अभी तक उस औरत ने हेल्ड हिम उसे पकड़ा हुआ था टाइटली मजबूती से कसकर अभी तक औरत ने उस लड़के को मजबूती से पकड़ा हुआ था बट शी बेंट डाउन लेकिन वो नीचे झुकी इनफ इतना टू परमिट हिम के लड़के को इजाज़त दे टू स्टूप स्टूप का मतलब भी बेंड झुकना होता है एंड पिक अप हर पर्स और उसका पर्स उठा दे उसने अभी तक लड़के को मजबूती से पकड़ा हुआ था लेकिन वो इतना नीचे हुई कि लड़का झुककर उसका पर्स उठा सके देन शी सेड फिर उस औरत ने कहा नाव नाव का मतलब अब मुझे बताओ एट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं अशेम ऑफ योर सेल्फ शर्मिंदी शर्मिंदगी होना शर्मिंदा होना फर्मली फर्मली स्ट्रांगली मजबूती से ग्रिप्ट ग्रिप, ग्रिप शिकंजे में जकड़ा हुआ क्लच्ड बाय हिज शर्ट फ्रेंट गिरेबान के शिकंजे में मजबूती से जकड़े हुए द बॉय सेड लड़के ने कहा यसम हाँ शर्मिंदा हूँ द हुमन सेड खातून ने कहा वाई डिड यू वॉन्ट टू डू इट फार तुमने ऐसा क्यों करना चाहा द बॉय सेड लड़के ने कहा आई डेंट एम टू मेरा ये मकसद नहीं था शी सेड औरत ने कहा यू अलाय तुम झूठ बोलते हो पक्की बात है अगर चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो वो इधर उधर की बात नहीं करेगा वो कभी भी नहीं मानेगा कि मैं चोरी कर रहा था लिहाजा लड़के ने कह दिया है, जी कि मैंने मेरा ये मेरा ये मकसद नहीं था आपका पर्स औरत ने कहा तुम झूठ बोलते हो बाय दैट टाइम तब तक टू आर थ्री पीपल पास्ट दो तीन लोग गुजरे Stopped रुके turned to look देखने के लिए मुड़े and some stood watching कुछ खड़े देखते रहे If I turn you loose अगर मैं तुम्हें तो छोड़ दूँ will you run क्या तुम भाग जाओगे asked the woman खातून ने पूछा Yesam हाँ भाग जाऊँगा Said the boy लड़के ने कहा Then फिर तो आई वॉन्ट टर्न यू लूस फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी टर्न लूज का मुल्क छोड़ देना सेट समन फ्री शी डिड नाट रिलीज हिम रिलीज छोड़ना लेट गो औरत ने उसे नहीं छोड़ा लेडी मोहतरमा आई एम सॉरी मैं शर्मिंदा हूँ विस्पर द बॉय लड़के ने सरगोशी की वस्पर या मरमर एम यू आर एम यू आर मरमर सरगोशी करना आ ये जो अम हम लिखा हुआ है ये है असल में आ जब हमने किसी को इनकार करना हो ना कहना हो तो फिर हम कहते हैं आ हाँ योर फेस इज डी तुम्हारा चेहरा मैला है तुम्हारा चेहरा गंदा है आई गॉट आ ग्रेट माइंड गॉट आ माइंड फैसला करना इरादा कर लेना टू वॉश यूर फेस फॉर यू मैंने तुम्हारा मुंह धुलवाने का फैसला कर लिया है एंट एट आर नाट की मुखफ़ करदा शक्ल होती है एंट एट यू गाट न बडी होम क्या तुम्हारे घर कोई भी नहीं टू टेल यू जो तुम्हें कहे टू तु वॉश येस क्या तुम्हारे घर कोई भी नहीं जो तुम्हें मुंह धोने के लिए कहे नोम नहीं मोहतरमा सेट द बॉय लड़के ने कहा लड़का बेघर है उसका घर बार बिल्कुल भी नहीं है देन फिर तो इट विल गेट वॉश्ड तुम्हारा मुँह धोया जाएगा दिस ईवनिंग तो फिर आज रात तुम्हारा मुँह धोया जाएगा सेट द लार्ज वुमन उस जसीम औरत ने कहा स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट गली में चलना शुरू करते हुए ड्रैगिंग ड्रैग घसीटना पुल द फ्राइटन बॉय फ्राइटनड अफ्रेड स्केयर्ड स्केयर्ड खौफजदा बिहाइंड हर फिर तो आज शाम तुम्हारा मुंह धोया जाएगा उस जसीम औरत ने गली में चलना शुरू करते हुए और खौफजदा लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए कहा तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस लहसन के अगले हिस्से के साथ तब तक के लिए चांद रिजवी को इजाज़त खुदा हाफिज